आ गया समझ में यहां तक? कोई डाउट है? याद भी मेरे हिसाब से तो याद हो गए होंगे आपको, एक बार एलिमेंट को लिखकर जरूर देख लेना, है ना, याद हो जाएंगे, ये कन्फर्म है ये याद हो जाएंगे, पर आपको एक बार अपने हाथ से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो इनमें अच्छे से देखना, अब एक एक चीज को समझते हैं, इनको क्या क्या चीज कहते हैं और क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो देखो, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व, सबके अपने अपने अलग अलग नाम है और क्यों है वो चीज देखो। अंतः, अंतः का मतलब होता है अंदर, इमेजिन करो हम स्टडी कर रहे हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो मेरा मेन फोकस होगा ए ब्लॉक के एलिमेंट पर, यानी कि मेरा मेन फोकस होगा ए ब्लॉक्स पर। एफ ब्लॉक का मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां भरा जा रहा है, एन माइनस टू कोष में, यानी कि एक तो एन है बाह्यतम कोष तो, लेकिन इसका अंदर भी दो कोष अंदर की तरफ भरा जा रहा है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर की साइड भरे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब, आप अब तक पढ़ते आए हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जिस बाह्यतम कोष में प्रवेश करता है उसके हिसाब से आप सारे, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा एस ब्लॉक का मतलब क्या था, एस ब्लॉक का मतलब ये था कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में प्रवेश करे, पी का मतलब क्या था, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कोष में प्रवेश करे, डी का मतलब क्या था, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करे, और एफ का मतलब क्या था, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करे। अब सोचो अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब कहने का क्या है, कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, आप तो जानते हैं जनरल फॉर्म तो हमारी यही कहती है, जो लास्ट में बच्चा आएगा वो सबसे पीछे पीछे बैठेगा, समझ रहे हो ना, लास्ट में। ये तो सोने पे सुहागा वाली चीज हो गई कि आप सबसे एंड में आए और एंड में आकर भी आप अंदर घुस के एक नई आगे आगे की सीट ले ली, वो यही सीन इनका भी है। अंतिम इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर की साइड भरा जाता है, ये कितनी बड़ी बात है सोचो, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भरने की वजह से इसे अंतः संक्रमण, संक्रमण क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देखा एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पता है ना, एफ में, एफ के सात होते हैं, अब सात कक्षक, सात होते हैं, एफ एक्स वाई, एफ वाई जेड, एफ जेड एक्स, ऐसे करके होते हैं, काफी सारे होते हैं। अब देखना इसमें क्या है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, देखो यहां पहला इलेक्ट्रॉन एफ वन में, याद करो कुछ डी ब्लॉक की याद है, एफ टू, एफ थ्री, यानी कि अंत तक कोई ना कोई कोष जरूर खाली रह रहा है। और संक्रमण की परिभाषा याद रखिए, कि संक्रमण की परिभाषा क्या कहती थी, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें कक्षक खाली रह जाते हैं, कक्षक खाली रह जाने की वजह से इनको संक्रमण तत्व कहते हैं, और यहां भी तो खाली रह रहे हैं, अगर यहां भी खाली रह रहे हैं इसका मतलब इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, इसलिए इन्हें अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। सेकंड देखो, इन्हें बच्चों दुर्लभ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन काल में ये इतनी आसानी से उपलब्ध हो नहीं पाते थे, इन्हें ऑक्साइड्स से, अभी आप पढ़ेंगे इनको निष्कर्षित करने की विधियां, लैंथेनाइड के ऑक्साइड मिलते हैं, सीरियम ऑक्साइड, उनसे पृथक करके इन तत्वों को प्राप्त किया गया है, और प्राचीन काल में यह माना जाता था कि ये ऑक्साइड बड़ी ही मजबूरी से मिलते थे, और जो चीज हमें बहुत कठिनता से मिलती है उसे हम कहते हैं दुर्लभ रूप से उपलब्ध है, इसलिए इन्हें, और ऑक्साइड्स को प्राचीन काल में वैज्ञानिक मृदा के नाम से जानते थे, किसके नाम से, मृदा के नाम से जानते थे, इसलिए आज वर्तमान में इन्हें दुर्लभ मृदा का नाम दिया गया है, समझ गया, समझ गए। तीसरा देखो, इन्हें लैंथेनाइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके गुण लैंथेनम से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, लैंथेनम से मिलते हैं, जो कि 5D सीरीज का पहला तत्व है, और 5D सीरीज के पहले तत्व लैंथेनम और इसके सेकंड तत्व हॉफनियम के बीच इन 14 तत्वों को रखा गया है, जब ही तो ये 57 है और ये डायरेक्ट 72 है, याद करो 57 के बाद में 14 तत्व ए ब्लॉक के प्रवेश करते हैं इस जगह, इसलिए इन्हें लैंथेनम के साथ गुणों में भिन्नता होने की वजह से इन्हें लैंथेनाइड्स कहा गया है।
क्या कहा गया है इन्हें, लेंथेनाइट्स कहा गया है इनका सामान, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-2F1-214, N-1D-1021, NS2 होता है। क्या होता है, ये सारी चीजें इनकी डेफिनेशंस हैं, और इसमें कुछ रह गया हो तो याद भी नहीं रहती चीजें। देखो इसके बाद क्या है, ठीक है ठीक है, अब देखो देखो होता क्या है, लैंथेनम के बाद में, अब ये क्यों हुआ कि ये तत्व इसमें आए, देखो लैंथेनम के बाद में क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डी कोश में, यहां पे क्या होता है 5D1 6S2, ये क्या हुआ करता था 5D2 6S2, याद करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो 5D1 के बाद में जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन और डी कोश में प्रवेश करता है तो इस 5D की एनर्जी से कम हो जाती है 4F की एनर्जी। किसकी एनर्जी कम हो जाती है, 4F की एनर्जी अत्यंत कम होने की वजह से लैंथेनम के बाद जो तत्व आते हैं 14 तत्व, उनमें इलेक्ट्रॉन, अच्छा सोचो इमेजिन क्यों नहीं किया आपने कि मैडम लैंथेनम के बाद 58वां तत्व आता है सीरियम, फिर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भी तो खाली था, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में ही क्यों प्रवेश नहीं किया दूसरा वाला, करना चाहिए था। मतलब आपका कहने का मतलब क्या था, आपका कहने का मतलब आप जो कह रही हो हमसे वो कह रही हो लैंथेनम के बाद सीरियम आता है, फिर ए ब्लॉक को क्यों रखा गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कह रही हो 57 है, इसका कह रही हो 58 है, तो फिर ये तो ऐसा होना चाहिए था 5D2 6S2, समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूं। लेकिन प्रयोगों से ये चीज निर्धारित है कि जैसे ही इन्होंने सीरियम के लिए कोशिश की होगी, जैसे ही इन्होंने सीरियम के लिए कोशिश की होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो D2 में प्रवेश करने से पहले 4F में प्रवेश कर गया होगा, क्योंकि 4F की एनर्जी अंदर की तरफ स्थित होने की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है एनर्जी में क्या हो जाती है, सॉरी 4F की एनर्जी कम होने लगती है, और 4F की एनर्जी, अरे एनर्जी ज्यादा और कम होने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स जो होता है नाभिक का इलेक्ट्रॉन के साथ, अट्रैक्शन फोर्स स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, स्थायित्व कब पड़ेगी, जब ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे के साथ बिल्कुल डायरेक्टली अट्रैक्शन फोर्स के साथ जुड़े हुए होंगे, और डायरेक्टली अट्रैक्शन फोर्स के साथ कब जुड़े हुए होंगे, जब नाभिक के बिल्कुल पास होगा कोई कोश, और पास कब होगा, जब अंदर की साइड होगा। इसीलिए ध्यान रखना 4F की एनर्जी ऑटोमेटिक सी बात है कम होने लगेगी, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और 4F की एनर्जी कम होगी तो सीरियम में आने वाला अगला इलेक्ट्रॉन 5D की उपेक्षा कर जाता है और 4F में पहले प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि ये ए ब्लॉक के एलिमेंट कहलाए, क्या कहलाए, ए ब्लॉक के एलिमेंट कहलाए, और ये कब तक चलते रहते हैं, ये जब तक चलते रहते हैं जब तक 4F कोश पूरा नहीं भर जाता। कब तक पूरा नहीं भर जाता, 14 तक, समझे या नहीं, हाँ या ना मेरे जवाब दो, हाँ या ना बताओ बच्चों, आ गया पक्का, ठीक है। अब देखो अगला, देखो आपने देखा था गैडोलिनियम और यटरबियम, याद करो इटरबियम और गैडोलिनियम इन दोनों का असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये 4F8 होना चाहिए था लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4F7 5D1 6S2, याद करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4F होना चाहिए था 4F13 लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F14 5D0 6S2 है या नहीं, याद करो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियस सी बात है चेंज होने चाहिए थे, ये तो होना चाहिए था 4F8, अरे भाई यही तो था, देखो ध्यान से समझो, हमें सिर्फ इससे मतलब है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा और सातवा, ठीक है, ये सातवा इलेक्ट्रॉन यहां गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या था, इसका था 4F1 5D1 6S2, यहां दो सब में 0000 आ रहे थे, केवल यहां पे बना रहा था, याद करो, याद है यहां पे बना रहा था, तो ये क्या हो गया था 4F7 5D1 6S2, होना क्या चाहिए था औरों के अकॉर्डिंग, ये 4F0 होना चाहिए था और ये 4F8 होना चाहिए था ना, लेकिन इसका
इसका कारण क्या है जानते हैं? सब जानते हैं, स्टेबिलिटी मैटर है, सही कह रहा है वो। ये हाफ फिल्ड विन्यास है। एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 14, और 14 का आधा क्या होता है अजय? 14 का आधा होता है 7। तो इलेक्ट्रॉन 8 की बजाय पहले 7 भरना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका 4F7 और उसका 4F14, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस आधे भरे हुए और पूरे भरे हुए कक्षकों के स्टेबिलिटी के लिए क्या किया गया है? इनका असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। समझे या नहीं बताओ, हाँ या ना? हाँ या ना? बाकी तो इनके वही पढ़ने हैं हमें। ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, आयनन विभव क्या होंगी, परमाणविक त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं कैसे बढ़ेंगी कैसे घटेंगी, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे आप कि लैंथेनाइड संकुचन क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीकरण अवस्थाओं की आप बात करोगे, अब मुझे वापस लिखने पड़ जाएंगे क्या? लिखो, लिखने पड़ेंगे भाई, बिना लिखे काम कैसे चलेगा? बोर्ड पे समझाने के लिए लिखना तो पड़ेगा। देखो भाई, लैंथेनम थोड़ा थोड़ा फटाफट लिख देती हूं। ये देखो भाई, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सीरियम बताना, सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक, देखो इसकी तो +3 है, होगी या नहीं होगी? लैंथेनम की, लैंथेनम की +3 होने का कारण जानते हो क्या है? क्योंकि जैसे ही इसमें से तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये बिल्कुल रिक्त जो कि ज्यादा स्टेबल होता है उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रख लेगा, इसीलिए ये +3 दिखाएगा। सीरियम की देखो, एक तो होगी +3, और सीरियम +3 से ज्यादा दिखाता है +4। +4 दिखाने का मतलब क्या है? +4 दिखाने का मतलब ये है कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 0 विन्यास रख लेगा। अगला देखो क्या होगा, 4F2 5D0 6S2। 2 तो होता ही नहीं है, 5 हुए ना, 5। ये देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3, तो इनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन कभी कभी ये प्रेसियोडाइमियम +4 भी दिखाता है। ठीक है, अगला वाला क्या है देखो, 4F क्या होता है, क्या होगा बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी बताओ। ठीक है, इसमें भी ये भी देखो, ये +3 भी दिखाता है और ये +4 भी दिखाता है, याद रखना +3 और +4 भी। ध्यान रखना सारे के सारे लैंथेनाइड्स की सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछे तो +3 या +4। अगला देखो, प्रेसियोडाइमियम सॉरी प्रोमीथियम का क्या होगा, 4F5 5D0 6S2। ठीक है, इसकी देखो, इसकी इधर देखना, जैसे ही आप प्रोमीथियम की बात करोगे तो ये जो है ये दिखाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोमीथियम की केवल +3। अगला वाला देखो 4F, ये याद रखने पड़ेंगे आपको कौन सी क्या दिखाता है, और उसमें से भी अपवाद याद रखना, बस 2 या 3 अपवाद याद रखने पड़ते हैं, वो अपवाद के बारे में बात करेंगे हम अब देखो अगला क्या होगा बताओ, 5 और 2 7 क्या होगा, 4F6 5D0 6S2, 6 और 2 8 क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो इसका, समेरियम, समेरियम का जो होगा वो होगा +2 और +3, +3 सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबकी रहनी ही रहनी है, +2 और +3। अगला वाला देखो, इसके अलावा ये वाला देखो, यूरोपियम, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F7। अब बताओ, ये 2-3 चीजें याद करने की है बस,
याद करो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 7 हाफ फिल्ड आ गया है और 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही एक स्थाई विन्यास धारण कर लेगा, प्लस 2 रहेगी ही रहेगी और प्लस 3 तो इनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है। गैडोलिनियम की भी आप निकाल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4F7 5D1 6S2। इसमें देखो देखो, इसलिए कह रही थी मैं ये गैडोलिनियम अपवाद है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 आने चाहिए थे ना, लेकिन यहाँ 7 ही आए हैं। अब बताओ इसकी क्या होगी, इसकी प्लस 3 ज्यादा पावरफुल होगी, प्लस 3 ज्यादा पावरफुल होगी गैडोलिनियम की। अगली वाली तो सिंपल सिंपल है, फटाफट देखो 4F8 5D0 6S2। इसकी देखो ये कभी कभी प्लस 3 दिखाता है और कभी कभी अगर जरूरत पड़ने पर प्लस 4 के जैसे तत्व भी बताता है। 4F9 5D0 6S2। इसकी तो सिंपल प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। डिस्प्रोसियम के बाद होलमियम की देखो 4F10 5D0 6S2। इसकी देख लेना 4F10 5D0 6S2 होलमियम की होगी प्लस 3 प्लस, इसकी प्लस 3, ये प्लस 4 भी दिखाता है कभी कभी जरूरत पड़ने पर। इरबियम का क्या होगा, 4F11 5D0 6S2। इरबियम का देखो ये भी प्लस 3 दिखाता है और कभी कभी मेरे हिसाब से प्लस 2 भी दिखा देता है इरबियम, प्लस 3। और देखो थूलियम की देखना 4F12 5D0 6S2, ये तो प्लस 3 दिखाएगा। इसके अलावा जो यटरबियम इटरबियम है इसमें देखो ये 4F14 5D1 6S2, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 0 12 और 2 14 14 और 1 15, कुछ गलती हो गई भाई मुझसे, जल्दी जल्दी देख लेना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये तो मैंने लिखवाई दिया है, वैसे ही इनमें गलती नहीं हुई है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इटरबियम का, इटरबियम का होता है आपका 14 और 2 16, यही तो है, हाँ यही है ना। ये देखो ये प्लस 2 ज्यादा पावरफुल से दिखाएगा क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये फुलफिल्ड हो जाएगा। और ल्यूटेशियम का तो देख ही लो 4F14, एक आध गलती हुई है बीच में से इसको लिखने में, ठीक है ना, देख लेना जल्दबाजी में लिखे हैं 4F। इसका बताओ इसकी प्लस 3 ज्यादा पावरफुल होगी ना, बस दैट्स ऑल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, हाँ वो गलती हो गई, 8 का लिख दिया, अच्छा हाँ ये 9 होगा।